आप सभी ने संत कबीर जी का एक सुप्रसिद्ध दोहा जरूर सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो उसमें वो हमें क्या बताना चाह रहे थे कि जो कल का काम है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज का काम हमने जो आज के लिए प्लान किया है वो हमें अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो लेकिन हमारी जो प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है उसने इस दोहे को पूरी तरह उलट दिया है। हम आजकल इस सिद्धांत पे चलते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों, या जीना है बरसों। तो ये दोहा आजकल हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस दोहे का जो सारांश बन के आता है उसे बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो प्रोक्रास्टिनेशन हमारी वो हैबिट है जो हमें एक्शन लेने से टालती है, मतलब जो हम एक्शंस को लेने के लिए टाल बटोल करते हैं, जो हम पोस्टपोन करते रहते हैं, वो हैबिट प्रोक्रास्टिनेशन कहलाती है। तो प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैबिट है। डेंजरस का शब्द का इस्तेमाल मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ उसके लिए मैं आपको एक स्टडी बताना चाहूंगा। वर्ल्ड में जो 95% लोग हैं वो इस बैड हैबिट के शिकार हैं, 95%, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि वे सारे लोग जो हैं अनसक्सेसफुल हैं या बहुत ही कम सक्सेसफुल हैं जितनी उनकी कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है। तो प्रोक्रास्टिनेशन एक इतनी बुरी हैबिट है कि वो हमारी एबिलिटी के होने के बावजूद भी हमें सक्सेस अचीव नहीं करने देती। तो अगर मैं एक समराइज वे में बताऊं तो प्रोक्रास्टिनेशन हमारी सक्सेस को सबसे ज्यादा हार्म करने वाली बैड हैबिट है। तो इस हैबिट को खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हमें पहले प्रोक्रास्टिनेशन के रूट कॉज पे जाना पड़ेगा कि इसका रूट कॉज क्या है, ये कहां से जन्म लेती है, कहां से ये बनती है। तो प्रोक्रास्टिनेशन के हम रूट कॉज पे आते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन की जो बैड हैबिट है वो हमें कैसे पड़ जाती है। तो बेसिकली जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि जितनी भी बैड हैबिट्स हैं वो जनरली जो बनती हैं वो फियर से बनती हैं, कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ फियर ऑफ फेलियर होता है, या फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, या फियर ऑफ अंडर एस्टिमेशन होता है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनकी वजह से हमारी ये प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट बन जाती है। तो इससे ओवरकम कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। उसमें से पहली ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप क्या करो कि अपने गोल्स लिखो। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने गोल्स लिखते हैं, और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो बिना गोल्स लिखे ही मेहनत करते रहते हैं, वो अपने गोल्स नहीं लिखते हैं। तो ये क्या है, गोल्स लिखने से क्या होता है ऐसा? गोल्स लिखने से आप ऐसा समझो कि एक तरीके से हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन मिलती है कि हमें ये अचीव करना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो जब हम जो भी इसे इनपुट देते हैं वो उसी के आधार पे एक्शंस डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं देंगे तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा। तो हमें क्या करना है, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी है रोज कि मुझे भाई ये अचीव करना है और मुझे इसके लिए काम करने हैं, इसके लिए मुझे इसी राह पे चल के मुझे एक्शंस लेने हैं। तो जब हम अपने गोल्स लिखेंगे और रोज उसे पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन रहेगी और वो ऑटो पायलट पे ना काम करके वो एक दिशा में काम करेगा, एक डायरेक्शन में काम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा, आप उसे गाइड करोगे, आप उसे इंस्ट्रक्ट करोगे। तो पहली टिप क्या है कि आप अपने रोज गोल्स लिखो, और गोल्स में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप छोटे गोल्स बिल्कुल भी ना लिखें, बड़े गोल्स लिखें। आप चाहे पढ़ाई में कैसे ही हो लेकिन आप अपने गोल्स बड़े लिखो। आप लिखो कि भाई मुझे 95% स्कोर करना है या मुझे 98% स्कोर करना है, क्योंकि वही बात है कि अगर हम सितारों पे निशाना लगाएंगे तो हम चांद पे तो निशाना लगा ही लेंगे। तो प्लीज आप बड़े गोल्स लिखो, बिल्कुल ना हिचके कि भाई वो पूरा होगा या नहीं होगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है कि बड़े गोल्स लिखने हैं। तो पहली टिप क्या है हमारी कि आप बड़े गोल्स लिखें। दूसरी टिप पे आते हैं, दूसरी टिप क्या है कि आप
स्टार्ट करें एक्शन लेना। आपके पास अगर कोई भी सिचुएशन आई तो आप अपने माइंड को थिंकिंग का टाइम ना दें, आप सीधा डायरेक्ट एक्शन ले लें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर आपको जॉगिंग जाना है, आपने सोचा कि भाई मैं सुबह जॉगिंग जाऊंगा, तो हमें उसमें माइंड को टाइम नहीं देना है सोचने का कि यार जॉगिंग जाने से क्या फायदा होगा, नहीं तो वो यही चीजें सोचेगा कि यार जॉगिंग जाने से कोई फायदा नहीं होगा, बिस्तर में पड़ा रहे, कोई जरूरत नहीं है जॉगिंग वॉगिंग जाने की। तो हमें क्या होगा, हम फिर प्रोक्रास्टिनेट करने लगेंगे। तो इसकी क्या टिप है कि आप सीधा उठें, शूज पहने और जॉगिंग के लिए निकल जाए। अगर आपको माइंड रोकने की कोशिश करे तो उसे ये कहना है कि नहीं, मैं चाहे 10 मिनट जॉगिंग करूंगा लेकिन मैं करूंगा जरूर। तो क्या है दूसरी टिप कि टेक स्मॉल एंड इंस्टेंट एक्शन। आप इंस्टेंट एक्शन ले, चाहे वो एक्शन स्मॉल हो, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक्शंस आपके लॉन्ग टर्म में बड़े एक्शंस हो जाएंगे। तो शुरुआत आप हमेशा स्मॉल से करें, क्योंकि अगर आप शुरुआत ही बड़े एक्शन से करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सोच लें कि नहीं यार मैं तो कल से रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, तो वो आपका माइंड आपको नहीं करने देगा, क्योंकि अभी आपकी कमांड आपके माइंड पे पूरी तरह नहीं है। तो आपको उसको कैसे बेवकूफ बनाना है, आपको स्मॉल एक्शंस लेने हैं। कि जैसे आप उसे बोले कि ठीक है भाई मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा, मैं 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा या मैं 10 मिनट के लिए जॉगिंग जाऊंगा, लेकिन मैं करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड की जो कमांड है आपके ऊपर वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप अपने आप को बदलता हुआ महसूस करेंगे, देखेंगे। तो तीसरी टिप पे आते हैं। तीसरी टिप है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जो मेन डिस्ट्रैक्शंस है वो है आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपका मोबाइल हो गया, आपका टीवी हो गया, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी पढ़ाई में या आप अगर कोई और काम कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए क्या टिप है कि आप हमेशा अपना फोन, जब भी आप पढ़ रहे हो या जब भी कोई आप इम्पोर्टेंट एक्शन ले रहे हो, जो आप काम कर रहे हैं, तो अपने फोन के नोटिफिकेशंस ऑफ रखें, अपने फोन को साइलेंट मोड पे रखें। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो अगर आप स्टडी टेबल पे पढ़ो, पहले तो बेड पे पढ़ना मत, बेड से उठो, आप स्टडी टेबल पे जाओ और टेबल पे बैठ के पढ़ो, और वहां पे बहुत ज्यादा किताबें रखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको मान लो एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की किताब वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है हमारा माइंड इतना तेज है कि वो दूसरी किताब देखेगा और ये बोलेगा नहीं यार इसमें भी से भी थोड़ा देख ले, तो क्या होगा कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो हम एक्शन लेना चाह रहे हैं हम वो ठीक से नहीं ले पाएंगे और हमारे जो प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट है उसमें हम दोबारा वापस चले जाएंगे। तो तीसरी क्या है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। चौथी जो प्रॉब्लम है वो जिस वजह से हमें प्रोक्रास्टिनेशन होता है वो है लेजीनेस। लेजीनेस से मतलब क्या है कि हम जो डिस्ट्रैक्ट जो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं वो उसका बड़ा कारण एक लेजीनेस भी है। मतलब क्या है कि हम लेजी हो जाते हैं, कि या तो हम लेट के पढ़ रहे होते हैं या हम क्या होते हैं पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए टिप क्या है कि आप कम से कम दिन में 2 बार एक्सरसाइज करो। अब 2 बार एक्सरसाइज का मतलब क्या है, एक सुबह करो और एक शाम को भी करो, क्योंकि हम सुबह अगर 1 बार एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा आफ्टरनून तक का टाइम है वो तो हमारा अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, लेकिन जब हमारी आफ्टरनून के बाद का जो इवनिंग का टाइम आ जाता है वहां पे हमारी एनर्जी जो है वो लूज आउट होने लगती है, मतलब ड्रेन होने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि चाहे हम 5-5 मिनट की एक्सरसाइज करें, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं कि आप हैवी पुशअप्स करने लगो या हैवी लिफ्ट करने लगो वेट, उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि जस्ट आप स्ट्रेचिंग करो, थोड़ी मोटी स्ट्रेचिंग करो, थोड़ी सी रनिंग कर लो या कुछ भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो जो आपको थोड़ा सा एंथुजियास्टिक रख सके। मेरी चौथी टिप क्या रहेगी कि आप एक्सरसाइज करें दिन में, चाहे 5-5 मिनट करें लेकिन 2 बार करें, एक सुबह और एक शाम को। तो पांचवी जो ट्रिक है वो है टेक रेगुलर ब्रेक्स। जब भी आप एक्शन ले रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें रेगुलर ब्रेक्स लेने चाहिए। मतलब कि एज पर स्टडी ह्यूमन का जो एवरेज अटेंशन स्पेन टाइम है वो 25 मिनट्स है, 25 to 30 मिनट्स है। मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट एक्शन ले रहे हैं,
उसमें जो आपका फोकस मैक्सिमम रह सकता है वो 25 से 30 मिनट तक रह सकता है, उसके बाद आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, नहीं तो आप फोकस तरीके से वो काम को नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मेरी पांचवी ट्रिक क्या रहेगी कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो आप हर 25 मिनट के स्पेंड टाइम के बाद आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। इससे जब आप दोबारा से पढ़ने बैठेंगे 15 मिनट बाद तो आप पूरे फोकस के साथ दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक बार आज जो भी हमने सीखा है उसे रिवाइंड कर लेते हैं। तो पहली ट्रिक हमने क्या बताई थी, पहली ट्रिक थी कि राइट योर गोल्स, और उसमें भी राइट बिग गोल्स एंड रीड इट डेली। मतलब हमें क्या करना है कि रोज अपने गोल्स को पढ़ना है और बड़े गोल्स लिखने हैं हमें। दूसरी टिप क्या थी, टेक स्मॉल एंड इंस्टेंट एक्शन। हमें छोटे ही एक्शन से शुरुआत करनी है, शुरू में ही बड़ा एक्शन नहीं ले लेना है, पहले हमें स्मॉल एक्शन से शुरुआत करनी है। तो क्या है दूसरी ट्रिक, टेक स्मॉल एंड इंस्टेंट एक्शन। तीसरी टिप पे आते हैं, तीसरी ट्रिक है हमारी अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस है, डिस्ट्रैक्शंस में मतलब आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, जितनी भी ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमें उन्हें अपने तरीके से हैंडल करना है, उन्हें अवॉइड करना है। कि हमें क्या करना है कि फोन को साइलेंट मोड पे रखना है, अपनी नोटिफिकेशंस को ऑफ रखना है, अगर टीवी की बात करूं तो रिमोट को जो है हमें छुपा के रख देना है या रिमोट के सेल निकाल के कहीं और रख देने हैं ताकि हम दोबारा से डिस्ट्रैक्शंस में ना फंसे। तो चौथी टिप है, डू एक्सरसाइज 2 times a day। मतलब दिन में 2 बार आप एक्सरसाइज करो ताकि आप लेजीनेस को ओवरकम कर पाए। तो पांचवी टिप क्या थी, पांचवी टिप थी टेक रेगुलर ब्रेक्स। मतलब हर 25 मिनट के लिए आपको पढ़ना है और 25 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का आपको गैप दे देना है, आपको ब्रेक ले लेना है ताकि आप उसके बाद जब पढ़ेंगे तो आप पूरे फोकस के साथ पढ़ पाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स हैं सबके साथ शेयर करें और ये जो जानकारी है सब तक पहुंचाएं।